गुजरात से हैं हीरालाल जी, स्वागत है आपका नमस्कार जी। नमस्कार। जी। निशा हमारी बेटी है, एक उसके मतलब ये है कि बीपी डाउन होता है। क्या उम्र है बेटी की? बेटी की उम्र होगी करीब ऐसी 30 के आसपास होगी, था ठीक है जी 30-40 साल। जी अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा है, और वो एक चीज़ आती है, उसे कहते हैं हलीम। अच्छा हलीम तो लोग कुछ और ही समझते हैं हलीम को, लेकिन हलीम बूटी है ये। आप सर्च करेंगे तो हलीम बूटी आपके सामने आ जाएगी, सस्ती आती है। लाल लाल से बीज होते हैं ये, तिलों की तरह होते हैं लेकिन लाल लाल से होते हैं। और ये आपने देखा होगा, जब हम कभी आइसक्रीम खाते हैं या फालूदा खाते हैं, फालूदा, तो फालूदे में दो किस्म के बीज डले होते हैं, एक काले काले से और एक लाल लाल से। जो लाल वाले हैं ना, इसको हलीम कहते हैं, हलीम बूटी। ये आप ले लीजिए 200-300 ग्राम, और इनको चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, या ऐसे ही साबुत आप 1 गिलास दूध में डाल दें 2 घंटे के लिए। और इसमें एक चुटकी या दो चुटकी में जितना नमक जैतून आए, नमक जैतून एक बड़ा मशहूर नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, इसमें डालकर, और शक्कर वक्कर भी मिला दें इसमें, अगर बच्ची को शुगर वगैरह नहीं है तो उसके जायके का बनाकर दिन में एक बार दे दिया करें 1 चम्मच। आप देखेंगे कि बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।